के नेता आजम खान अपने बयानों से विरोधियों पर अक्सर तीखे हमले बोलते हैं। उनके बयानों से अक्सर विवाद भी खड़ा हो जाता है। लेकिन रामपुर में एक चुनावी रैली के दौरान आजम खान भावुक हो गए। सपा नेता ने आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग का बैन खत्म होने के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं कोई आतंकवादी था क्या जो मुझे 3 दिन किसी से मिलने नहीं दिया गया। मेरे साथ गद्दार की तरह बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मेरे घर के दरवाजे तोड़ दो, मुझे गोली मारो, मुझे मार दो, ताकि चुनाव से पहले ही ये किस्सा खत्म हो जाए। मेरा जीना जमीन के लिए बोझ बन गया है, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो, चुनाव से पहले किस्सा ही खत्म हो जाए। उन्होंने आगे कहा, 3 दिन के बैन के दौरान मैं कहीं नहीं जा सकता था, किसी से मिल नहीं सका और ना ही किसी रैली में हिस्सा लिया। मैं मुरादाबाद से लौटा ही था तो मुझे पता चला कि रामपुर जिला प्रशासन ने मेरा झंडा लगाने वालों को खूब सताया और मुझसे प्यार करने वालों के घरों के ताले तोड़ दिए। ये किस तरह का लोकतंत्र है? और ये कहते कहते वो भावुक हो गए। आपको बता दें कि रामपुर में एक चुनावी सभा के दौरान सपा नेता आजम खान ने आपत्तिजनक बयान दे डाला था, जिसके बाद उनके चुनावी प्रचार पर 3 दिन का बैन लगा दिया गया था। और बैन खत्म होने के बाद उनका ये बयान आया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि आजम खान भावुक हो गए। आजम खान की भावुकता पर आप क्या कहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए।